नमस्कार फ्रेंड्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट 3, रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट। इससे पहले हम इसकी शैडो पोएम की एक्सप्लेनेशन और उसकी वर्कशीट की वीडियो भी डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो देख इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही इसकी वर्कशीट भी करेंगे। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been along for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. Robinson Crusoe का ship जो था वो समुद्र में नष्ट हो गया था, तो वहाँ पर कई सालों तक वो अकेला था और कंपनी की तलाश कर रहा था कि उसको कोई साथी मिले। एक दिन उसने वहाँ पर एक फुटप्रिंट देखा रेत के ऊपर, तो देखते हैं फिर उसने क्या किया। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट, ये जो स्टोरी है ये बायोग्राफी की तरह है, ये रॉबिन्सन क्रूसो बता रहे हैं कि एक दिन जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड, तो वो सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया रेत पर एक आदमी के फुटप्रिंट को देखकर। फुटप्रिंट कहते हैं पैर के निशान को। आई स्टूड अमेज्ड, मैं अमेज्ड होकर खड़ा था, शॉक्ड होकर खड़ा था। आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना मैंने फिर कुछ सुना ना कुछ देखा, कुछ भी नहीं। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं ऊपर की तरफ गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप टू शोर एंड डाउन टू द शोर, वो समुद्र के किनारे में ऊपर की साइड गया फिर नीचे की साइड गया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कुछ अच्छा नहीं था। आई कुड नॉट फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, उसने और कोई पैर का निशान नहीं देखा, वहाँ केवल एक ही पैर का निशान था, ओनली वन। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, वो फिर से नीचे देखने गया कि वहाँ पर केवल एक ही पैर का निशान है या कुछ और पैरों के निशान भी हैं या सिर्फ उसके माइंड में कल्पना थी। देखिए ऐसा हुआ कि वो कई सालों से अकेला था वहाँ पर, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई है। जब उसने एक पैर का निशान देखा तो वो इसलिए वो ये सोच रहा था, क्योंकि उसको एक कंपनी की तलाश थी, तो वो ये सोच रहा था कि ये कहीं उसकी इमेजिनेशन तो नहीं है, उसकी कहीं कल्पना तो नहीं कि उसने पैर देखा भी या नहीं देखा, तो इसलिए वो दोबारा वहाँ पर गया। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन हाँ उसे कोई गलती नहीं हुई थी। फॉर देर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, वहाँ पर था एक पैर का निशान। टॉय हील एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, पैर के सभी चीज़ें, पैर के अंगूठा, एड़ी, उंगलियाँ। आई कुड नॉट इमेजन हाउ इट केम हेयर, और मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि ये यहाँ कैसे आया होगा। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहाँ बहुत देर तक सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन और ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, तो रास्त बाद में वो घर लौटा बहुत ही डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, वो डरा हुआ जब दौड़ रहा था अपने घर की ओर, तो वो पीछे देखता हुआ दौड़ रहा था दो और तीन पैर कदम। उसको ऐसा लग रहा था हर एक झाड़ी, हर एक पेड़, उसको ऐसा लग रहा था जैसे इंसान है वहाँ, कोई आदमी है। When I came to my cave, which I called my castle, जब वो अपने गुफा के पास आया जिसको वो कास्टल कह के बुलाता था, I ran inside it, मैं उसके अंदर की तरफ दौड़ा। As if I was being chased, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। I do not remember whether I used to the ladder or went in by the hole in the rock when I called the door, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. वो कह रहा है कि वो इतनी तेज़ दौड़ा जैसे कि कोई जानवर दौड़ के आता है बहुत तेज़ी से, और वो इतनी तेज़ दौड़ रहा था उसको कुछ याद नहीं है कि उसने किसी सीढ़ी का यूज़ किया जब वो
उस होल में जा रहा था, उस गुफा की ओर आ रहा था, तो उसको कुछ याद नहीं है। जब वो चट्टानों के ऊपर चढ़ के आया, वो इतनी तेज़ दौड़ रहा था क्योंकि इतना डर चुका था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, वो उस रात सोया भी नहीं, सो नहीं सका उस दिन, सारी रात नहीं सोया वो। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, वो जब भी उस बात के लिए सोच रहा था तो उसे और ज़्यादा डर लग जा रहा था, वो और ज़्यादा डर जा रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वांडर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट, वो ये सोच रहा था कि कहीं कोई सेवेस तो नहीं आया, कहीं कोई जंगली तो नहीं आया एनिमल मेन लैंड पर, जो वांडर्ड कहते हैं खोज करता हुआ, किसी चीज़ की सर्च करता हुआ सी पर या किसी एक छोटी सी नाव में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, और सौभाग्य से वो उस समय समुद्र के किनारे नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन आईलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, वो ये सोच रहा था कि कहीं वो जंगली कोई जंगली बोट से समुद्र के किनारे तो नहीं आया होगा, या फिर वो किसी और सेवेस को, कुछ और लोगों को लेकर तो नहीं आएगा, जंगलियों को लेकर तो नहीं आएगा जो उसको मार देंगे और बाद में उसको खा जाएंगे। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, तो इसलिए वो वहाँ डर में ही कई दिनों तक, वहीं घर पर ही रहा कई दिनों तक और लेटा रहा डर में। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और उसने अपनी सहायता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रे करी, प्रार्थना करी, वर्शिप करी। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। तब वो जब वो घर में था तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था, और बाद में फिर से उसने स्टार्ट करा कि वो इन्वेस्टिगेट करे, खोज करे बाहर जा कर के, लेकिन अभी भी वो पीछे मुड़ कर के देख रहा था, बड़ी तेज़ी से मुड़कर पीछे देख रहा था। वो इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। रॉबिन्सन क्रूसो कह रहा है कि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। हाउ एवर आई वेंट अबाउट फॉर टू और थ्री डेज एंड से नथिंग आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, वो बाहर गया 2-3 दिन के लिए तो उसको वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसमें थोड़ा सा जो है साहस आया, वो बिकेम थोड़ा सा बोल्डर हो गया। रॉबिन्सन क्रूसो कह रहा है मैं थोड़ा सा बोल्डर हो गया, साहसी हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटमार्क, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो दोबारा सी शोर पर जाएगा और दोबारा जाकर के एग्जामिन करेगा फुटप्रिंट की एक बार और डिसाइड वो किससे नापेगा उसको, अपने पैर के निशान से, कि कहीं वो उसी के पैर का निशान तो नहीं है। एज आई केम क्लोजर टू फुटप्रिंट, जब वो उस फुटप्रिंट के पास आया, आई रियलाइज दैट आई कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू द पार्ट टू बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, तो उसने कहा कि जब वो उसके पास गया तो उसने कहा कि ये तो मेरे पैर का निशान हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इस बीच पर, इस जगह पर बहुत लंबे समय से आया ही नहीं है। सेकेंड चीज़ ये थी कि आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुट प्रिंट, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, और उसने ये भी देखा कि उसने जब वो उसी फुटप्रिंट के पास अपना पैर रख कर देखा उसके पास, तो उसने देखा कि वो जो फुटप्रिंट था वो उसके फुटप्रिंट से ज़्यादा बड़ा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर दोबारा लौट के आ गया क्योंकि वो जो पैर का निशान था वो उसके पैर के निशान से बड़ा था। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा वापस गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और ये विश्वास था मुझे कि वहाँ पर कोई है, दैट इनलैंड वॉज इनहैबिटेड, उसको ये पता था कि वो जो आइलैंड है वहाँ पर कोई ना कोई प्रेजेंट में रहता है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट में कोई वहाँ रहता है। अडॉप्टेड फ्रॉम डैनियल डिफॉयज रॉबिन्सन क्रूसो, ये जो डैनियल डिफॉय हैं उन्होंने बुक लिखी है रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, ये वहाँ से लिया गया है। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं और इसमें जो है हम लोग इसको अलग से वर्कशीट में करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को, फिलअप्स को, और फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब जो हम लोग लेकर आ रहे हैं MCQs हर चैप्टर से, वो भी हम इसमें करेंगे सेकंड पार्ट में। टिल देन वेट फॉर दैट वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।